दोस्तों, श्री कृष्णा की कृष्ण यानी रियल लाइफ एक्टर सर्वदमन बनर्जी एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें रामानंद सागर के टीवी सीरियल श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाने के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी काम किया है। उनको अंतिम बार साल 2015 में आई बॉलीवुड फिल्म एमएस धोनी में धोनी के कोच चंचल की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुपरस्टार सर्वदमन बनर्जी की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के अलावा उनके फैमिली मेंबर के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बात करें उनके परिवार के बारे में, तो उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी दो बड़ी बहनें हैं, जिनके नाम हैं रूपाली और नवनता, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा एक्टर सर्वदमन ने अलंकिता बनर्जी से शादी की है, जो उन्हें ऋषिकेश उत्तराखंड में एक मेडिटेशन सेंटर चलाने में सहायता करती हैं। दोस्तों, सर्वदमन और अलंकिता की एक बेटी है जिसका नाम आलका है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। दोस्तों, आलका ने साल 2015 में मुंबई के एक मशहूर बिजनेसमैन डीजे चेतक साय से शादी की थी, जो आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। दोस्तों, सर्वदमन बनर्जी की बेटी आलका दिखने पर इस प्रकार लगती हैं जैसे कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हो। उनकी खूबसूरती किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं लगती। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्वदमन बनर्जी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने खास बिंदुओं के बारे में, जिनके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, सर्वदमन बनर्जी की कैरियर की पहली फिल्म थी साल 1983 में आई आदि शंकराचार्य, जिससे उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। एक्टर सर्वदमन बनर्जी आज फिल्मी दुनिया से काफी दूर हटके ऋषिकेश उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच रहकर अपना एक मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं, जो लोगों को प्रकृति की ओर जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा वह एक पंख नामक एनजीओ से भी जुड़े हैं, जिसका उद्देश्य है गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उन्हें शिक्षित बनाना। दोस्तों, सर्वदमन बनर्जी एक प्रकृति प्रेमी इंसान हैं, जो अक्सर उत्तराखंड की वादियों में ट्रैकिंग और हाइकिंग टूर पर जाते रहते हैं। उनको सोलो ड्राइविंग भी बहुत पसंद है और वह अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते रहते हैं। सर्वदमन एक भावुक पशु प्रेमी हैं, जो आवारा जानवरों की देखभाल करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, खासकर कुत्तों की। दोस्तों, सर्वदमन बनर्जी को पेड़ पौधे से अधिक लगाव होने के कारण उनको कई बार अपनी पत्नी अलंकिता के साथ वृक्षों को लगाते हुए देखा गया है। दोस्तों, सर्वदमन अक्सर देहरादून आते जाते रहते हैं, जहां उनका एक आलीशान घर मौजूद है। दोस्तों, सर्वदमन एक फिटनेस प्रेमी हैं, जिनको अक्सर घंटों जिम में वर्कआउट करते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सीरियल श्री कृष्णा के कृष्ण यानी रियल लाइफ एक्टर सर्वदमन बनर्जी के बारे में जानकर? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें।